सिक्स ई ही है ना, वेव ऑप्टिक्स भी, इसका नाम है बुक में वेव फ्रंट एंड इंटरफेरेंस भी, नाम लिख सकते हो। सिक्स ई का नाम क्या है? वेव फ्रंट एंड इंटरफेरेंस भी, वेव फ्रंट एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस। तो भी तो वे ऑप्टिक्स में लिख लीजिए, इसमें सिंपल सा शुरू करते हैं इंट्रोडक्शंस। लिखिए लाइट हैविंग ड्यूल करैक्टर भी, लिखिए लाइट हैविंग ड्यूल करैक्टर, इट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल भी, इट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। आगे लिखो, सम फिनोमिना लाइक, सम फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, उसी तरह का होता है स्केटरिंग कराने के लिए, कॉम्प्टन इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और भी हैं बहुत से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्योदा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी, शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, किसको शो करते हैं सारे ये, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो जाएगा, सही है कि नहीं है। आगे लिखिए, सम फिनोमिना लाइक, सम फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस लिख दोगे, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, दो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन डाइफ्रैक्शन और भी बहुत हैं एटसेट्रा, शो द वेव नेचर ऑफ लाइट भी। देखो भी क्लास, अब लाइट को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा जैसे वेव नॉट पार्टिकल्स भी। हमने वहाँ पे देखा था लाइट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है? नहीं चलती भी, लाइट तो वेव है, कह जाती है। अब ऐसे पढ़ाया जाएगा उसका मौसम, समझ में आई बात है? नेग स्टेट लाइन से कर पाओगे? वो किसको दिखाती है? पार्टिकल नेचर को दिखाती थी, अब किसको? वेव फॉर्म में दिखाएंगे इसको। थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा अभी, क्योंकि ये बिल्कुल नई नोट अभी आपके लिए, वो तो मैंने थोड़ा बहुत 10वीं क्लास में पढ़ रहा हुआ, इसलिए लगता है कि आसान है, थोड़ी सी ईजी है अभी, ठीक है। ये टोटली थियोरटिकल सेशन अभी। तो वेव उसका पहला टॉपिक है कि वेव फ्रंट होता क्या है अभी। वेव फ्रंट कुछ नाम सुना कभी? ये कहाँ पे मेरे सुनाया होगा है ना, ट्रांसवर्स में मैंने हाथ को वेव फ्रंट माना था अभी, हाँ सुना था, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है अभी क्लास? देखिए आप पानी में पत्थर फेंक दो भाई, तो पानी में सर्कल दिखाई देते हैं आपको, गिलास को टैग कीजिए ऐसे पानी गिलास को, उसमें सर्कल दिखाई देंगे आपको, और सर्कल किसको दिखाते हैं? वेव फ्रंट को दिखाते हैं, इट शो द वेव फ्रंट की नहीं है। तो वेव फ्रंट क्या है, एक बार लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए, लिखिए इट इज द कॉन्टिन्यूस लोकस, एक नया वर्ड आएगा आपके लिए, इट इज द कॉन्टिन्यूस लोकस, एल ओ सी यू एस, इट इज द कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इन सेम टाइम, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इन सेम टाइम। इसका डेफिनेशन का मीनिंग बता दो मेरे को भी। इट इज अ कॉन्टिन्यूस लोकस, लोकस क्या होता है? कलेक्शन भी, इकट्ठा होना भी। इट इज अ कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इन सेम टाइम। अभी तक इतना याद रखिए जो मैंने लिखवाया आपको भी, अभी तक आपको कोई डिस्कस नहीं करना इस पॉइंट के ऊपर, हम क्या बोलना चाहते हैं इसके, सिंपल डेफिनेशन है भाई कि पार्टिकल का इकट्ठा होना एक खास पॉइंट के ऊपर खास टाइम के अंदर भी, तो ऐसा लगता है कि वेव बन गया वहाँ पर, सर्कल बन गया। अब ये टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट भी,
स्फेरिकल वेव फ्रंट। बातें नहीं, बार बार कर रहे हैं क्या? स्फेरिकल वेव फ्रंट भी। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है क्लास? देखिए, जो बॉडी स्फेरिकल बॉडी होती है वो इट गिव द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी। इमेजिन करो आपके पास बल्लभ है भी, बल्लभ स्फेरिकल नेचर का है, बल्लभ है। अगर आप बल्लभ के चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे पॉइंट इकट्ठे कर लो भी, एक और स्फीयर बन जाएगा। यस सर नो, वो उसका वेव फ्रंट है। उसके एक और डिस्टेंस के ऊपर सारे पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं, ऐसे बनेगा जाल, बनेगा पूरा भी पॉइंटों का भी। इमेजिन करो आप लोग लाइट कैसे पहुंच रही है अब तक भी। ये बल्लभ है, एक जाल बन रहा है ऐसे, फिर एक और जाल बन रहा है ऐसे ऐसे। इमेजिन करो यहाँ बहुत जालियाँ बन रही हैं बहुत ज़्यादा लाइट की भी, जहाँ तक अब तक लाइट पहुँच रही है। यस सर नो, साइंस फिक्शन मूवी देखिए ना, उसमें दिखाते हैं इस तरह की हवा में डायग्राम बनते हुए भी, कर लोगे? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट किसका बनता है क्लास? जिस जो सोर्स स्फेरिकल नेचर का हो या पॉइंट सोर्स हो, उसका क्या बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। एक नंबर क्वेश्चन बनता है, ड्रा द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। कैसे बनाओगे? ये डॉट बनाओगे सोर्स ऑफ लाइट को, इससे लाइट निकल रही है चारों तरफ, सही है? आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेज के ऊपर पॉइंट ड्रा करोगे भी। लिखवा रखा है इट इज अ कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स भी, सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंसेज पे होने चाहिए। कर लोगे, उनको मिलाओ तो वी हैव ए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी। कर लोगे दूसरा, इक्वल डिस्टेंसेज के ऊपर सेम टाइम के अंदर वी हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट्स अगेन अगेन एंड अगेन भी। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। कौन देगा? लिख लीजिए, स्फेरिकल बॉडी और पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल बॉडी और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट गिव द स्फेरिकल वेव फ्रंट, गिव द स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है? सेकेंड इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्लास। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा? जो सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट होगा वो क्या देगा आपको? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देगा। आपने ट्यूब देखी हो, घरों में ट्यूब लगी होती हैं, सिलेंड्रिकल नेचर की है भाई। इमेजिन करो उसके उसके चारों तरफ लाइट कैसे निकल रही होगी भी। ये ट्यूब है, उसके इक्वल पॉइंट पे सारे पॉइंट इकट्ठे कर लो तो ऐसे लगेगा एक और सिलेंडर बन गया अभी, उसके बाद एक और सिलेंडर बन गया। यस आर नो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या कौन देगा आपको? सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट देगा भी। लिख लीजिए, सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट गिव द, सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट गिव द, सिलेंड्रिकल क्या लिखा था मैंने, सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट गिव द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बनाते कैसे हैं देखो, बनने का तरीका क्या है अभी, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहले आप क्या करो, सिलेंडर ही बना लो भाई, सिलेंडर बना लिया आप लोगों ने। अरे बात नहीं, ये सोर्स ऑफ लाइट है भाई क्लास, जो नीचे बना रहा हूँ बीच में, और इट गिव सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स भी। दिस इज सिंबल ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। थर्ड है भाई प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। मैंने वहां पे यूज किया था प्लेन को भी, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा भी क्लास? आप बोलोगे प्लेन सोर्स ऑफ लाइट की तो प्लेन वेव फ्रंट होता ही नहीं है भाई। प्लेन सोर्स देखा है आप लोगों ने कभी? आप बोल घर में वो ट्यूब लगा रखी मैंने वाली, वो उसमें देखो ना, उसमें लार्ज नंबर ऑफ LEDs होते हैं, सो स्फेरिकल नेचर के आते हैं, प्लेन नहीं होता भी कोई भी। लेकिन अगर आप ये देखो, ये बल्ब है, दूर लगा दिया मैंने भी, इसका स्फीयर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा यहाँ मेरा तक आते आते, तो स्फीयर का छोटा पार्ट क्या होगा? प्लेन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिख लीजिए, व्हेन ए स्फेरिकल वेव फ्रंट, और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
व्हेन अ स्फेरिकल वेव, सॉरी मैंने क्या लिखा था, नहीं नहीं ये मत लिखो, व्हेन अ स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट, स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट प्लेस एट लार्ज डिस्टेंस, प्लेस एट लार्ज डिस्टेंस इट गिव प्लेन वेव फ्रंट वेव, इट गिव प्लेन वेव फ्रंट। सिलेंडर है भाई, बहुत बड़ा सिलेंडर यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको छोटा सा पार्ट काट लूँ तो क्या बनेगा, अच्छा लगे सिंपल सीट भी, यस सर ना, तो ये कोई सीट है भाई, किसका पार्ट है ये किसी स्पेयर का पार्ट हो सकता है या किसी सिलेंडर का पार्ट हो सकता है अभी, तो कहीं से लाइट आ रही होगी, यस सर ना, ऐसे और कहीं से आ रही होगी भाई, तो ये दिखाने का तरीका इसका ये है। ऐसा करो आप लोग डायग्राम बनाते हुए ना, ये तो इसका डॉट दिखा दो, ये इन लाइनों का डॉट दिखा दो भी, मर्जी आप, एक को देखो, इनको दिखा दो, लाइनों को डॉट दिखा दो, राइट ऐसे आ रही है। तो ये ए बी सी डी है ना, ये क्या आपका, इट इज द प्लेन वेव फ्रंट, मेरा हाथ ये है अभी, कर लोगे हमारे तक ये पहुंच रहे होते हैं। नेक्स्ट में लिखिएगा इसी में, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मतलब क्या इस बात का, जो वेव फ्रंट क्या होंगे, कन्वर्जिंग फॉर्म में होंगे। देखो ये मिरर है भाई, कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव, लाइट जा रही है, यस सर ना, लाइट किस फॉर्म में जाएगी, पक्की बात है वेव फ्रंट के फॉर्म में, ये मेरा वेव फ्रंट है भाई, यस सर ना, इट इज एबीसी, सही है कि नहीं है, ये अभी टॉपिक बाद में आएगा क्योंकि पहले करवा रहा हूँ आपको मैं, ये यहाँ पे जाएगी कैसे, बीम्स स्ट्राइक कर रही है अभी, तो इस वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट पहले स्ट्राइक कर रहा है मिरर के साथ में, ए और सी, यस और नो, जब ये स्ट्राइक कर चुके हैं, ये सी पॉइंट अभी बी पॉइंट हवा में है अभी, यस और नो, ये तो क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग है, और ये अभी भी आ रहा होगा स्ट्राइक करके भी यहाँ से कहीं पे वापिस, यस और नो, ये तो पक्की बात है कि तीनों एक साथ तो नहीं आएंगे भी, दो एक साथ आएंगे, ए डैस, ये कौन सा था, सी डैस, बी डैस, एक साथ नहीं आएगा भी, तो जब इनको मिलाएंगे इन पॉइंटों को भी हम लोग, तो मेरा ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, कौन सा ये कन्वर्जिंग है, प्लेन गया था क्या बन के आ गया, कन्वर्जिंग बन के आ गया आफ्टर रिफ्लेक्शन से, यस सर नो, इसी तरह का क्या होता है, डाइवर्जिंग भी होता है, क्योंकि अभी क्योंकि बात के टॉपिक हैं सिंपल, नाइन और कुछ नहीं इनके अलावा, तो इनको अभी जो भी करवाते नहीं हम लोग, बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, लेकिन डायग्राम तो बना लीजिए इनका भी, नेक्स्ट टॉपिक है हुगेन प्रिंसिपल भी, नेक्स्ट टॉपिक इज हुगेन प्रिंसिपल, क्या जबरदस्त सोच थी इस आदमी की भी, हद थी, हम तो सोच नहीं सकते इस बात को, हम रटा नहीं मार सकते, सोच से कहाँ सकेंगे ना भी, कुछ साइंटिस्ट तो हद हुई है भी आज तक के। नेक्स्ट है भी क्लास हुगेन प्रिंसिपल्स, क्या बोलता है भाई, दो प्रिंसिपल दिए उसने अभी, पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये तो बक्की बात थी, पत्थर फेंक दिया आप लोगों ने पानी में, फेंक चुके हो और वहाँ पे पानी एक जगह पे इकट्ठा हो चुका है, एक एक पॉइंट पे, पहला वेव फ्रंट तो बन गया अभी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, अब क्या सुना कि सेकेंड वेव क्यों बना, अभी पत्थर फेंक गया पहला तो वहाँ बन गया, अब सेकेंड क्यों बना, उसकी प्रॉब्लम थी इसको, लिख लीजिए पहला पॉइंट, लिखिए एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट कौन सा है जो पहली बार बना होगा अभी, उसका नाम दिया गया प्राइमरी वेव फ्रंट, अभी लिखवाऊंगा नहीं, सिंपल लिखिएगा, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट भी, एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड
स्केंड्री वेवलेट कॉल्ड स्केंड्री वेवलेट WAVELETS स्केंड्री वेवलेट्स विच आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन वे विच आर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ लाइट। पहला प्रिंसिपल क्या है, मैंने क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट वे, यस और ना, ये बोला ना मैंने, डायग्राम नहीं बनाना अभी आपको, ओके भाई देखिए क्लास, ये है अभी आपका सोर्स ऑफ लाइट, मेन बल्लभ अभी आपका, इट इज अ मेन सोर्स वे, ठीक है। अब ये क्या देगा आपको, इट गिव द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वे, और वेव फ्रंट बनेगा कब, जब उन पॉइंटों पे पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे, यस और नो, तब बनेगा ना। तो ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल इकट्ठा होंगे इस वेव फ्रंट के ऊपर, वो हर पार्टिकल बिहेव करेगा सेकेंडरी सोर्स की तरह भी, वो हर पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइट के सोर्स की तरह बिहेव करेगा, समझ में आया, ये इसका पहला पॉइंट है। अगर लाइट की सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो खुद की वेव फ्रंट नहीं देगा, ये दे दीजिए खुद की, ये खुद की भी देंगे अपने यहाँ, क्या सर नो, अगर ये खुद की वेव फ्रंट देंगे, कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट है, किस तरह की वेव फ्रंट मिलेगी यहाँ पे, स्फेरिकल मिलेगी, तो यहाँ पे क्या मिल रही है मेरे को, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स सभी की, यस और नो, एवरी सोर्स गिव द ऑन वेव फ्रंट्स एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एंड सो ऑन, कोई जरूरी नहीं है अभी, कोई जरूरी नहीं है, इंटरसेक्ट करके कुछ और टॉपिक बनेगा, वो बताएंगे आगे चल के टॉपिक क्या बनने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट, समझ में आया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसका, सेकंड पॉइंट डायग्राम नहीं बनाना अभी, सेकंड पॉइंट है लिखिए, ड्रा द टेंजेंट, ड्रा द टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट, ड्रा द टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव द सेकेंडरी वेवलेट भी, सॉरी गिव द सेकेंडरी वेव फ्रंट, गिव द सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसका मतलब क्या है भी? ये बोल रहा है भाई, ये देखो ये तो मेन सोर्स है, इसकी पहली वेव फ्रंट ये है, मैं नाम देता हूँ इसको ए बी, ए बी इज द फर्स्ट वेव फ्रंट भी कर लोगे, और इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट पार्टिकल्स किससे बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह, ये इसका पहला रूल है भाई। तो अगर सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्वियस है खुद के भी क्या होंगे, वेव फ्रंट्स होंगे। अब ये बोल रहा है कि उनके वेव फ्रंट्स को अगर उनको उन पर टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, कैसे टेंजेंट तो ड्रा ऐसे होगा भाई, बोलिए कैसे होगा, टेंजेंट सफियर है, टेंजेंट ड्रा करो यहाँ पे, ऐसे होगा इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, यस और ना। तो ये जो टेंजेंट ड्रा किया हम लोगों ने भी, ये टेंजेंट के एक्चुअल में ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया भाई, क्या बन गया ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, समझ में आया। अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एट द न्यू सोर्स भी, इसका हर पॉइंट किस तरह बिहेव कर रहा होगा सोर्स के, तो खुद भी लाइट देगा, फिर उस पर ड्रा करो थर्ड, फिर उस पर एक हर पॉइंट क्या बनेगा सोर्स, फिर फोर्थ, तो लाइट किस फॉर्म में चल रही है, वेव फ्रंट में, समझ में आ रहा है। जो आप तक जो लाइट पहुंच रही है, हो सकता है वो सोर्स लाइट ना हो, इस वेव फ्रंट की लाइट हो, यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। ये है अभी इसकी सोच से कि लाइट ट्रेवल कैसे कर रही है, अभी किस फॉर्म में कर रही है, इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट, इसमें एक कमी रहेगी भी, इसने वर्ड यूज किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन भी, बैकवर्ड पॉसिबल है टेंजेंट, तो ये सर ना पॉसिबिलिटी ये भी है भाई, लोग तो कमी निकालेंगे, ये पॉसिबिलिटी कौन सी है, ए थ्री बी थ्री वाले, जिसने इसका आंसर नहीं दिया भाई, इसका आंसर किसी और ने दिया, मैंने बताया भैया लाइट नहीं है कभी भी सोर्स की तरफ नहीं आती, सोर्स से दूर जाती है,
तो हमेशा किसका वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड का करेंगे कि बैकवर्ड, ऐसा नहीं है अपने मोमबत्ती सोसाई और अंधेरा वक्त मारे में भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये किसका यूज़ करेगा, फॉरवर्ड का यूज़ करेगा, न कि बैकवर्ड टेंजेंट्स को भी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर ये सिंपल फॉर्म में देखा है, इन टर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट में देखा हूँ, तो एक मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट होगी, कौन सी, ए बी मान लेते हैं, और इस वेव फ्रंट पे हर पार्टिकल्स किस तरह बिहेव कर रहा होगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह। इसका नाम क्या है पार्टिकल्स का, इसका नाम है भैया वेवलेट्स, लिखवाया मैंने आपको, क्या नाम है इसका, वेवलेट्स, सही है। और ये ए बी क्या है, ए बी इज द प्राइमरी वेव फ्रंट्स, भी लिखवाऊंगा अभी सारे वर्ड यहाँ पे। अब ये सोर्स है तो खुद की लाइट भी दे रहा होगा, किस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, यस और नो। इन वेव इनको मिलाया गया टेंजेंटल, देखो अब दिखाई देगा आपको टेंजेंट, आपको ये इसमें यहाँ पे शक होता है आपको क्या हो रहा है, इसका छोटा पार्ट ले तो ये बनता है, कर लोगे। ये क्या है, ए वन ए टू तक, ए टू ए टू बी टू, ए टू बी टू इज द न्यू वेव फ्रंट, भी सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल सकते हैं इसको, ये भी बना सकते हो डॉट में, ये होता नहीं एक्चुअल में, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है ना, हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड में पॉसिबल नहीं है भाई। डायग्राम बनाओ, तीनों ये वर्क, ये सोर्स, ठीक है, मैं चीज छोड़ के तुम लोग सोर्स छोड़ दोगे, काम कैसे चलेगा भाई। अब लिखो इसको, एस क्या है भाई, एस लिखिए मेन सोर्स ऑफ लाइट, या सोर्स ऑफ लाइट लिख दो सिंपल इसको, एस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ए बी क्या है, लिखिए ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट, इनिशियली यही था, कर लोगे, ए बी क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट हो जाएगा। S1, S2, S3 and so on, ये क्या है भाई, लिखवा रखा है सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं इनको, सेकेंडरी वेवलेट, S1, S2, S3 and so on, यह क्या है सेकेंडरी वेवलेट। A2, B2 क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, A2, B2 क्या है सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है जो मैंने यूज किया है यहाँ पे, एनी प्रॉब्लम भाई, ठीक है। अभी प्रूव करेगा अभी किसको, उन टॉपिक को जो एक्सपेरिमेंटली हो चुके थे, अभी अगर प्रूव कर देगा तो पक्की बात थी, एक बात सही थी इसकी भी, ठीक है। तो एक टॉपिक कराऊंगा छोटा सा, बिल्कुल लिख लीजिए, नेक्स्ट रब करते हैं भाई। इसका एक नाम और भी है भाई, इसको वेव थ्योरी बोलते हैं भाई, सुना ये वर्ड बहुत बार सुना आप लोगों ने, Why photoelectric effect does not explain the wave theory of light wave? सुना है कि नहीं सुना? वो याद नहीं है photoelectric, इन लोगों ने भी किया हुआ है, अब इनका आंसर कुछ हो रहा था, उसका उसका कुछ हो रहा था भाई। अरे यूनिट नंबर 7 पूरी पढ़ ली हम लोगों ने इसके बारे में, उसमें बार बार आता था कि वेव थ्योरी ने ऐसा बोला होगा, ये वही वेव थ्योरी है, यहीं से शुरुआत हुई इसकी भी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी भी, आपको प्रूव करना रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अगर मेरे को रिफ्लेक्शन को प्रूव करना पड़ जाए, मैं क्या प्रूव करूंगा भाई, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस इक्वल करना पड़ेगा भाई, यस और नो, अगर रिफ्लेक्शन में आई आई और बराबर हो जाएगा तो मेरा पक्का रिफ्लेक्शन है भाई, यस और नो, पता नहीं हमने लाज क्या था रिफ्लेक्शंस के, कि एंगल आई बराबर है एंगल आर, ये किस तरीके से प्रूव कर दूं मैं तो मेरा आंसर पूरा हो गया भी। कर लोगे, किसके बेसिस पे प्रूव करूं, वेव थ्योरी के बेसिस पे, देखो कैसे होगा भाई। ये मान लेते हैं मिरर है भाई, इट इज प्लेन मिरर, एम वन एम टू मान लेता हूँ, ठीक है, वो दिखाता है नीचे मैं इसको, जरूरत नहीं दिखाने की, इट इज अ प्लेन मिरर भी, कर लोगे। अब इस पर लाइट गिर रही है अभी, मैं हाथ दिखाऊं लाइट को, ये वेव फ्रंट पे, कौन सा वेव फ्रंट आएगा,
प्लेन वेव फ्रंट से कौन सा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट लाइट बुक वाले तीन लाइन दिखाएंगे हम, दो से कम चलाएंगे अभी। तो इससे इस पर क्या गिर रहा है कि प्लेन वेव फ्रंट गिर रहा है अभी, ऐसे लाइट ऐसे ऐसे आ रही है, यस और नो, किस फॉर्म में आ रही है भाई, इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट से, यस और नो। तो दिस इज द वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट है ये, इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट, लाइट ऐसे आ रही है। एक और सकता है तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी, क्या लगा लो भाई, क्या दिक्कत है, कर लोगे, ये ऐसे आ रहा है अभी, ये वेव फ्रंट ए भी है अभी। अब ये जब वेव फ्रंट ए भी है, लाइट ऐसे गिर रही है, तो पहले वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट स्ट्राइक कर रहा है अभी, ए भी, एंगल बना रहे हम तो निकालने के लिए, ये पॉइंट कौन सा भाई, ये ए है, और ये पॉइंट कौन सा अभी हवा में है, बी, यस और नो, ये स्ट्राइक कर चुका अभी यहाँ पे। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है अभी, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट, अगर खुद की लाइट के सोर्स हैं तो खुद लाइट भी दे रहे होंगे। अब एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ये सोर्स स्ट्राइक कर चुका है, ये खुद लाइट कैसे दे सकता है अभी, कैसे भी, ये वन है, ये कौन सा आफ्टर रिफ्लेक्शंस वन डैश, ये टू है, ये अब देखिए जब ये स्ट्राइक करके यहाँ पे जा रही थी लाइट इसकी ऐसे, ये अभी भी ऐसा जा रहा था, यस और नो, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक किया बी पॉइंट, तो ये पॉइंट हो सकता कहीं और पहुँच गया होगा, यस और नो, मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट यूज किया हुआ है, दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट भी, और ये खुद लाइट दे रहा है, ऐसे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे हो सकती है लाइट भाई, मैंने ये मान ली लाइन, चार तरफ हो सकती लाइट है, यस और नो, मैंने एक लाइन ये मान ली हुई कि ऐसे दे रहा है भाई, कर पाओगे, ये बी भी, अब बी यहाँ पे पहुँच चुका है, यस और नो, ये बी नहीं है, ये कौन सा उसका पॉइंट हो सकता है, इट इज बी डैश पॉइंट, ये ए है, इसका ए पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा, पे डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसका बी पॉइंट भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट अभी देगा खुद की, तो खुद लाइट कैसे देगा, ऐसे दे सकता है, ये कौन सी है, टू डैश, यस और नो। अब इमेजिन करो अभी लाइट की स्पीड कितना है, सी, ओके, और बी को बी डैश आने में टाइम टी लगा होगा अभी, क्या नाम लगेगा उसको, टी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी डैश, भी डिस्टेंस कितना, स्पीड इन टाइम कर दो, यस और नो, तो बी बी डैश का वैल्यू कितना, सी टी, यस और नो, कुछ अलग चीज नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे अभी भी, कितना यहाँ के कितना डिस्टेंस है, सी टी, उस टाइम में ए कहां पे पहुंच चुका होगा, ए का स्पीड भी कितना, अभी भी सी है, टाइम भी वही यूज कर रहा हूं, डिस्टेंस भी क्या होगा, वही होगा, यस और नो। तो अब क्या करो, इतना डिस्टेंस का प्रकार ओपन करो कंपास, ए को सेंटर मानो और कट लगा दो यहां पे एक, यस और नो, तो यहां पे कट कर दिया मैंने इस लाइन के ऊपर, तो पॉइंट कौन सा होगा, ए डैश, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, इसको यहाँ का पहुँचना और इसका यहाँ पे पहुँचना भी बराबर होगा भाई, स्पीड भी बराबर है, टाइम भी यूज कर रहा हूँ सेम भी, यस और नो। तो ये ए डैश से ये बी डैश को मिला दूँ, ऐसे ऐसे लग रहा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट वेव फ्रंट में चल रही है अभी, कौन से वेव फ्रंट में, ए डैश बी डैश वेव फ्रंट, बिफोर भी किस में आ रही है, वेव फ्रंट में, आफ्टर भी क्या जा रही है, वेव फ्रंट में, थ्योरी तो सही हो रही है यहाँ पे वक्त, तो अब तो पूरा कुछ नहीं हुआ भाई, आई इज नॉट इक्वल टू आर, प्रूव नहीं हुआ, आई क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट इंसिडेंट एंगल है, नॉर्मल ड्रा करो यहाँ पे, ये क्या होगा एंगल आई, अब यहाँ पे आर कौन सा होगा, आर ये होगा, यस आर नो, कौन सा, नॉर्मल के बीच में और इसके बीच में, अरे बता दो मेरे को, ये वाला लाइट ऐसे जा रही है, ये वाला, ये वाला, ये आर होगा, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा अभी, हाँ क्योंकि एक एक का दोनों एंगल हो जाएंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे ड्रा कर नॉर्मल से, ये एंगल आर होगा, एक ही बात है, अरे सही है कि नहीं, ये भी आर है, अरे ये भी आर है, प्रॉब्लम क्या रहेगी, ये आई है भाई, इंसिडेंट भी मैं ये,
सही है कि नहीं है, तो दोनों एंगल में क्या कर रहा हूँ, और अलग दिखा रहा हूँ, एन के लिखा लो नॉर्मल्स, नॉर्मल्स क्लास क्या ये एंगल निकाल सकते हैं आप लोग भी, ये वाला एंगल्स कितना है, हम तो निकाल सकते हैं ना भाई, कितना एंगल है ये चेक करो भाई, देखो भाई एंगल निकालना सीखिए, बहुत जरूरी की चीज़ होती है अभी, मान लो एक्स है अभी, एक्स मान ले, अभी लिखना नहीं है, एक्स हो गया, अरे बात है नहीं, ये देखिए ये लाइन और ये कितना एंगल बना रही है 90, वेव फ्रंट है भाई नॉर्मल तो लाइंस, कितना पूरा एंगल ये 90 है, कितना बचा 90 माइनस आई, ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है, दो एंगल बटे हुए एक 90 माइनस आई और एक एक्स, तो 90 किसके बराबर होगा, 90 माइनस आई प्लस एक्स, तो एक्स बराबर है किसके आई, एक्स बराबर किसके आई, यस और नो, तो ये एंगल कितना क्लास है एक्चुअल में, इट इज आई, सेम यहाँ पे करके देखो, ये बीम्स है भाई नॉर्मल टू द लाइंस, ये वेव फ्रंट है, ये पूरा एंगल कितना होगा 90, ये वाला 90 माइनस आर, ये पूरा 90 है भाई, तो ये वाला कितना होगा, आर सही है कि नहीं है, अरे बता दो, लिखो फिर, लिख लीजिए, वी हैव ए प्लेन मिरर, वी हैव ए प्लेन मिरर M1 M2, वी हैव ए प्लेन मिरर M1 M2, आगे लिखो ए बीम ऑफ लाइट 1 2 1 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये रही, ये बीम्स ऑफ लाइट 1 2 हैविंग वेव फ्रंट AB, हैविंग प्लेन वेव फ्रंट AB, हैविंग प्लेन वेव फ्रंट AB, स्ट्राइक ऑन द मिरर, सही है, हो जाएगा भाई, आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू हुगेन, लिख दिया, ए बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ लाइट भी, यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे डायग्राम देख लिया करो एक बार क्या बोल रहा हूँ, ए बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ लाइट एंड गिव 1 बीम भी, कौन सी बीम दे रहा है ये 1 दिख रहा है आपको, गिव 1 बीम, हो जाएगा, अब बी यहाँ पे हवा में, अभी भी ये स्ट्राइक करके जा चुका है अभी, अब इसको यहाँ से तक आने में टाइम लग रहा होगा अभी, तो मान लेता हूँ, लेकिन ये लेट सी क्या है भाई, स्पीड ऑफ लाइट और टी क्या है भाई, टाइम फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, B to B' टाइम फ्रॉम B to B' लाइट को पहुँचने का टाइम है ये, यहाँ से यहाँ तक का, कर लोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B B' ले सकता हूँ CT, B B' का वैल्यू कितना CT हो जाएगा, आगे लिखिए, इतना हो गया अभी, लिखिए कंसीडर ए इज सेंटर एंड मेक ए आर्क ऑफ लेंथ सी टी ऑन वन डैश, एक और सेंटर मानो, इतना आर्क का लेंथ यूज के दिए सी टी और एक आर्क लगाइएगा, ओके किस पे 1 पे, एंड वी हैव ए डैश पॉइंट,
हमारे पास क्या मिलेगा, एक एडजस्टमेंट मिलेगा भाई, कर पाओगे यस आर नो? तो व्हाट इज एएडएस? ये भी सीटी होगा भाई, उतना डिस्टेंस का लगा रखा हम लोगों ने। इसका मतलब ये है भाई क्लास, जब ये बी यहाँ पे पहुंचेगी, ये ए पॉइंट यहाँ पहुंच चुका होगा भाई, यस आर नो? अब बी पॉइंट भी किस तरह भी हो करेगा, सोर्स ऑफ लाइट खुद के लिए बीम भी देगा। जब इसको ऐसे मिलाओगे ना, तो आपको एक एक वेव फ्रंट मिल जाएगी यहाँ से, ए डैश बी डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन में। देख लीजिए, वी ऑब्टेंड ए वेव फ्रंट, वी ऑब्टेंड ए वेव फ्रंट ए डैश बी डैश आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात है? अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं भाई यूज करने के लिए भी, रब कर दे भी इसको पूरे को। अरे बता दो, इतना हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो मैं ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ भाई, इन द ट्रायंगल्स ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल्स ए ए डैश बी डैश, क्या आपको ट्रायंगल दिख रही है अभी? कौन सी ट्रायंगल है? ए बी ए बी ए डैस, सॉरी ए बी बी डैस, दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ए डैस बी डैस, दिख रही है ट्रायंगल्स? क्या इन ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है? बीम स्ट्राइक करें नॉर्मली ऐसे भी कर लोगे, ले सकता हूँ इसमें एंगल बी और एंगल ए डैश किसके बराबर है? 90 डिग्री भी सही है कि नहीं है? अरे बता दो मेरे को, कर लोगे? क्या दोनों ट्रायंगल्स की साइड बी बी डैश और ए ए डैश बराबर हैं विद सी टी डिस्टेंस? बी बी डैश ए ए डैश, यस और नो? क्या ट्रायंगल्स में ए बी डैश कॉमन है, कॉमन साइड दोनों के लिए? दोनों में है साइड ए बी डैश, ये किस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज है, यस और नो? दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, तीनों एंगल तीनों साइड भी, यस और नो? तो क्या प्रॉपर्टी होती है? सारे एंगल बराबर होते हैं उसके, सही है कि नहीं है? तो मैं क्या ले सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी ए बी डैश इज कॉन्ग्रेंट, का साइन ही होता भी ट्रायंगल्स ए ए डैश बी डैश भी, कह रहा है? तो क्या होगा क्लास, इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल भी क्या होते हैं, इनके बराबर होते, तो एंगल आई और आई बराबर होना चाहिए, एंगल आई और आई आर भी क्या होना चाहिए बराबर, इतना कुछ बराबर कर दिया भी बराबर होना चाहिए भाई, तो क्या प्रूव करना था? रिफ्लेक्शंस पूरा हो गया,